रिडाई ऑफ द फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो टू इस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन टू दैट द होल कोन अच्छा वट इज द मीनिंग ऑफ फ्रस्टम मैंने मीनिंग ऑफ फ्रस्टम तो बताया था यार हद हो गई अरे फ्रस्टम तो मैंने बताया था इट्स फ्रस्टम होता है कोन का पार्ट ठीक है मैं पहले आपको एक कोन बना के दिखाता हूँ ठीक है सपोज आप ये देखो कि सपोज ये एक कौन है ठीक है सपोज दिस इज़ अ कौन ये आपका एक कौन है ओके सपोज ये आपका एक कौन है ठीक है अगर आप कौन को अगर आप कौन को थोड़ा सा काट देंगे अगर मैं कौन को यहाँ से ऐसे काट दूँ ठीक है तो एक ऊपर से ऐसा एक सर्कल जैसा बन जाएगा ठीक है छोटा सा और नीचे तो बड़ा वाला सर्कल है ही और इनको जोड़ दूँ तो ये होता है फ्रस्टम ठीक है कौन ऐसा है ऊपर से कट गया है कौन ठीक है तो ये जो उल्टी बाल्टी मैंने बनाई है ये फ्रस्टम है और इसमें रेडियस अलग अलग होता है ठीक है ये एक एक स्मॉल आर होता है कैपिटल आर होता है ये स्मॉल आर है छोटा रेडियस या कैपिटल आर है बड़ा रेडियस और ये इसकी हाइट होती है एंच और इसकी स्लैंड हाइट होती है एल ओके तो आपसे क्या पूछा गया है द रेडिया ऑफ द फ्रस्टम टू इज टू वन है तो ये रेडियस है टू एक्स ये रेडियस है एक्स ठीक है कॉमन मल्टीपल हम ऐसे रहते हैं सो so, आपसे क्या पूछ रहा है द रेडाई ऑफ द फ्रस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ठीक है आर इन द रेशियो टू इज टू वन ठीक हो गया वट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द होल कोन ठीक है तो आपको रेशियो किसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन का ठीक है हाँ टाइप ऑफ बकेट वेरी गुड मनदीप चैटर्जी वेरी गुड ठीक है तो आपको निकालना क्या है मैं यहीं पर इसको रब करके आपको दिखा देता हूं वट यू हैव टू कैलकुलेट आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन का ठीक है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन अच्छा अगर मैं कौन लूंगा ना तो कोन में तो ये स्मॉल रेडियस विल नॉट कम इन टू पिक्चर कौन तो पूरा होता है ठीक है कौन के केस में स्मॉल रेडियस नहीं आएगा कौन के केस में हम लोग कैपिटल रेडियस लेंगे अच्छा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज वन बाई थ्री पाई ठीक है ओके अब ध्यान से देखना है इस चीज को ओके अब यहाँ पर कौन का कौन की हाइट अलग होगी हाँ कौन की टोपी निकाल दो ओके okay, की टोपी निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा फ्रस्टम आ जाएगा ठीक है अब अब आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो फ्रस्टम की हाइट है that will be different. कौन की हाइट मैं यहां लेता ठीक ठीक है? है है, है, की 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 ले लेता, हूं, की ले लेता हूं, इस तरीके से। ये चलो ओके तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम टर्म वन बाई थर्ड पाई एच पहले ले रहा हूं और आर स्कवायर ब्राकेट में ऐसा होता है ठीक है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर जाएगा छोटा वाला सॉरी छोटा वाला तो अरे उल्टा कर दिया मैंने छोटा वाला एच आएगा फर्स्ट टर्म के केस में ठीक है ओके तो क्योंकि फर्स्ट टर्म मैंने एच ले रखा है ना एच और यहाँ कैपिटल एच ओके okay, तो यहां से देखो वन बाई थ्री पाए वन बाई थ्री पाए तो कैंसिल हो गया वैसे ठीक है ओके okay? अब आप आर की वैल्यू रखो पुट द वैल्यू ऑफ आर अब कैपिटल एच क्या आप कैपिटल एच को आ, Can you write in the form of small h? Radius is also given to you. Everything. अच्छा अब क्या करेंगे आगे बढ़ रहे हैं ठीक है हम लोग तो यहाँ पर R की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कैपिटल R हमारे पास है 2x. एक्स स्मॉल आर हमारे पास है x. ठीक है तो कैपिटल R और स्मॉल r की हम लोग वैल्यू रख लेते हैं ठीक है तो आपको वॉल्यूम का क्या निकालना है आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है ठीक है तो इस तरीके से तो ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा एच आर स्क्वायर कैपिटल आर is टू एक्स टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर इंटू आर एस टू एक्स इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सिर्फ सो टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच चलो अच्छा अब अब क्या करेंगे अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल भी एंच इंटू दिस विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखो ये हो जाएगा फोर ब्रैकेट में फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इंटू एच ठीक है तो स्मॉल एच इंटू हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव सेवन एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन इट विल गोइंग टू गिव यू फोर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा सेवन एच अपॉन फोर अच्छा इस एच का क्या करें ओके okay, अब इस एच का क्या करें ठीक है अब यहां पर ऑप्शंस किस तरीके से दिए हैं आपको ऑप्शंस आपको दिए वन एस टू एट वन एस टू फोर थ्री इज टू फोर सेवन इज टू एट वट वी विल डू ऑफ दिस एंच तो अब यहां पर आपको एक चीज देखना है ठीक है सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है क्योंकि फर्स्ट टर्म है आपको मालूम रखना है कि फर्स्ट टर्म का रिडाई अगर फर्स्ट टर्म का रिडाई कैसा दिया है आपको द रेडियस ऑफ द फर्स्ट टर्म इज गिवन इन द रेशियो टू इज टू वन मतलब जो बड़ा वाला रेडियस है वो छोटे वाले से कितना है डबल है अगर रेडियस डबल है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी वो कोन बनता है यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दिस अंडरस्टैंडल एच वी नट टू स्मॉलो यू शुड नो जो बच्चों को नहीं पता ठीक है यू शुड नो दिस फंडा ऑल्सो इन द केस ऑफ हिमकेश सोनी इज नॉट इन द ऑप्शन आपने ये भी ध्यान रखना है जो पूरी हाइट है कोन की वो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी कि कौन की फ्रस्टम की हाइट से डबल क्यों क्योंकि जो फ्रस्टम का जो रेडियस दे रखा है ओके okay, वो टू इस टू वन दे रखा है जो बड़ा रेडियस है वो ट्वाइस है ऐसे केसेस में फ्रस्टम के जो हाइट होती है पूरे कौन की क्योंकि फ्रस्टम टर्म कौन से बना है दैट विल बी ट्वाइस एच इफ यूल पुट द वैल्यू दिस विल बी सेवन एंच अपॉन फोर इंटू कैपिटल एंच विल बी ट्वाइस इन टू एच एच एन एच विल गेट कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा सेवन अपॉन एट इसका मतलब कितना है सेवन इस टू एट तो एक थोड़ी सी नई चीज आपको पता चली है ठीक है